नमस्कार दर्शकों, वक्त हो गया है दिनभर की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरों का। तो आइए जान लेते हैं 6 जनवरी 2024 की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरें। पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सिंगर स्वस्ति मेहुल का गाना राम आएंगे किया शेयर। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्वस्ति जी का ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से मन को भाव से भर देता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शानंद महाराज जी के जयंती के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के गुरुकुलम का किया शिलान्यास। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले विश्व के इस सबसे बड़े गुरुकुलम के शिलान्यास से पहले वैदिक रीतिवास से हुई पूजा पाठ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने बनाई 5 स्क्रीनिंग कमेटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन समितियों का किया है गठन, जो देश भर में उन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करेगी जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने जा रही भारत न्याय यात्रा का लोगो आज किया जारी। आपको बता दें कि इस लोगो के दो हिस्से हैं, जिस पर लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में फिर बढ़े मामले। बीते 24 घंटे में देश में 774 कोविड-19 के केस मिले। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की चुनौती अब खुलकर आ रही है सामने। टीएमसी बोली, बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ने को है तैयार। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति के गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले फिर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। कहा, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने की घटना हमेशा लोगों के जहन में रहेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेताओं और दलों का ठगबंधन है। इस गठबंधन में कौन कौन रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर बड़ी कार्रवाई की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर किया जारी। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश भागने की फिराक में है आरोपी। LIC पर फिर चला GST का डंडा। सरकारी बीमा कंपनी को अब मिला 663 करोड़ का नोटिस। बता दें कि यह पिछले एक सप्ताह के दौरान LIC को मिला दूसरा GST नोटिस है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 OTT पर होगी रिलीज। Amazon प्राइम वीडियो पर सलमान की इस फिल्म को देख पाएंगे लोग। बता दें, हालांकि अभी टाइगर 3 की OTT रिलीज डेट रिवील नहीं की गई है। नए साल का जश्न मनाने के बाद लेडी लव के साथ मुंबई लौटे अभिनेता ऋतिक रोशन। ऋतिक का हाथ थामे नजर आई सबा आजाद। कपल को एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। फिर खराब हुआ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का विमान। 4 महीने में दूसरी बार कनाडाई प्रधानमंत्री की हुई फजीहत। बता दें कि इससे पहले सितंबर में G20 के दौरान ट्रूडो का विमान भारत में खराब हो गया था, जिसकी वजह से कनाडा के पीएम को 2 दिन ज्यादा भारत में रहना पड़ा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताए जाने वाले बाइडेन के बयान पर किया पलटवार। कहा, राष्ट्रपति केवल लोकतंत्र के मुद्दों को लेकर उन पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि वह अन्य मुद्दों पर नहीं लड़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग के शार्पशूटर प्रदीप सिंह को दिल्ली के रोहिणी इलाके से किया गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने उसके पास से अत्याधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस किए हैं बरामद। तो दर्शकों, ये थी 6 जनवरी 2024 की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।